हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शालियाज रेसिपीज़। आज हम बनाने जा रहे हैं मीठा चीला। मीठा चीला बनाने के लिए हमने एक भगोनी में एक कटोरी पानी और एक कटोरी चीनी मिक्स करके रख दिया है, एक कटोरी आटा, दो बड़े चम्मच घी, कुछ क्वांटिटी में मलाई, ड्राई फ्रूट, केसर, इलायची जिसको हमने बारीक महीन पीस लिया है। हमने अब कंटेनर जिसमें पानी और चीनी मिक्स करा था उसे गर्म करने के लिए चढ़ा दिया है। जब तक हमारी शक्कर पूरी गल नहीं जाती हम इसे बॉईल करते हैं। पानी अच्छे से बॉईल हो चुका है और हमारी इसमें शक्कर गल गई है। अब हम गैस बंद करके इसे उतार लेते हैं। अब हमने शक्कर का पानी, जो कि शक्कर गला लिया था, इसमें हम आटा मिक्स करते हैं और प्रॉपरली इसको अच्छे से मिक्स करते हैं और गुठलियाँ नहीं रहे, ताकि मिक्स करते टाइम अगर ये गाढ़ा लगता है तो हम इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं और अगेन मिक्स करते हैं इसे। हमने इसे मिक्स करके रेडी कर लिया है, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा। अब हम इसमें मलाई मिलाते हैं और अगेन मिक्स करते हैं। हमने मिक्सचर रेडी कर लिया है, अब हम इसमें इलायची डालेंगे। घोल हमारा ना पतला है ना गाढ़ा है। वन साइड हमने फ्राई पैन गर्म करने के लिए रख दिया है। घोल में हम एक दो केसर की पत्ती भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। हमारा पैन गर्म हो चुका है, अब हम इसमें घी फैलाते हैं। घी गर्म हो जाने के बाद इसे टिश्यू से इस तरह पूरे तवे पे कवर कर लेते हैं। अब हम हमारा इसमें तैयार मिक्सचर तवे पे फैलाते हैं अच्छे से चारों तरफ घुमाते हुए, राउंड एंड राउंड शेप देते हैं। पूरा प्रॉपरली राउंड शेप देना है हमें। हमने प्रॉपर राउंड शेप देके रेडी कर लिया है। अब वन साइड बेक करेंगे और साइड टर्न करेंगे। ये इस तरह से बेक हो गया है, अब हम इसका साइड चेंज करते हैं। हमने इसका साइड टर्न कर दिया है। अब कुछ क्वांटिटी में ऊपर से घी लगाते हैं और बेक होने देते हैं नेक्स्ट साइड से। चीला हमारा रेडी है, अब हम इसे प्लेट में सर्व कर लेते हैं। हमने प्लेट में सर्व कर लिया है और ड्राई फ्रूट से डेकोरेट करके हमारा गर्मा गर्म चीला तैयार है। आप भी फैमिलीज़ के साथ शेयर कीजिए, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।